एनजेएम हाई स्कूल की छात्रा सोनू ने भाग्य के भरोसे ना रहकर कड़ी मेहनत की और मेहनत को अपना सफलता का राज बताया। दसवीं की परिणाम आने पर भिवानी जिले के एनजेएम स्कूल की छात्रा ने भाग्य पर ना रहकर कड़ी मेहनत को सफलता का श्रेय दिया है। उन्होंने सफलता के पीछे अपने माता पिता और स्कूल के टीचरों का आभार जताया। जैसे ही 10th क्लास का रिजल्ट परिणाम जो आया है, बाकी में बेटियों ने बाजी मारी है। हरियाणा के अंदर ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के क्षेत्र से नहीं, पूरे हरियाणा में बाजी मारी है। मैं लेकिन बात करूंगा आपको रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो मुसार गाँव में एनजी कोई स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ। प्रिंसिपल भी मौजूद है, बेटी सोनू है जो सेंट्रल गाँव से है। इन्होंने टॉप स्थान ग्रहण किया, टॉप स्थान पर रही है। सोनू, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मेरी तरफ से बहुत फायदे से। क्या महसूस कर रहे हैं आप भी? आपने एहसास हुआ था इसके लिए भी आप टॉप पे आएंगे? अभी क्या हो रहा, आपने कितनी इंग्लिश स्टडी करी थी? बताइए। पेरेंट्स भी बड़ा खुश हो गए, सभी खुश हो गए। मेरे साथ प्रिंसिपल सर जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां। क्या है सर, आपका तो बहुत बड़ा योग रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट है, नतीजे है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। रूरल एरिया में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक बहुत ही गौरव की बात है। बड़ी परिस्थितियाँ जो है उनको नहीं होती हैं। आसपास का जो एरिया है यहाँ, इस एरिए में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सारा तो मेहनत है समस्त स्टाफ की है, पूरे मैनेजमेंट की है, और सबसे ज़्यादा मेहनत जो स्कूल जाने की है, इसकी मेहनत का फल है कि आज हम इस मुकाम पर हैं कि इस बेटे ने आज पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। हरियाणा में टॉप पोजिशन है। लाडो ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल कमाल किया। मैं तो बुरा आसमान में उड़ा दिया इस विद्या ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर का साफ तौर पर कहना है कि वाकई में बेटी ने आसमान में उड़ा दिया। वाकई में नाम तो आसपास के चित्रकारी, पॉलिटिकली हरियाणा का नाम रोशन हुआ है। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया।